नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेट। मैं हूं आपके साथ सोनी। केंद्र सरकार देश के आम लोगों के विकास के लिए समय समय पर जन कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च करती रहती है। इसी कड़ी में देश के अन्नदाताओं के आर्थिक उत्थान और तरक्की के लिए भी सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम किसान मानधन योजना। दरअसल भारत एक कृषि प्रधान देश और देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आमदनी काफ़ी कम है और खेती बाड़ी के लिए भी उनके पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है। ऐसे किसानों के भविष्य को देखते हुए ही इस योजना के जरिए बुढ़ापे में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, किसान मानधन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वाकांक्षी योजना में से एक है जिसमें किसानों को पेंशन देने का प्रावधान है। इसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने 12 सितंबर 2019 को पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत केंद्र की ओर से किसानों को 60 साल का हो जाने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान है। बता दें कि हालांकि इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदनकर्ता किसान को हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे, जबकि 60 साल के होने पर आवेदनकर्ता को ताउम्र पेंशन के रूप में हर महीने 3,000 रुपये की राशि दी जाती है। बता दें कि इस योजना का लाभ पति पत्नी दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, यानी दोनों कुल 6,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है। वहीं अगर किसी कारण वक्त किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनकी पत्नी को 50% यानी कि 1,500 रुपये मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान आवेदन कर सकते हैं। उम्र के आधार पर किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक का मासिक योगदान करना होता है। इसके साथ ही आपको बता दें, जिससे 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलती है। यह योगदान किसानों की उम्र पर निर्भर करता है। इसमें कोई भी किसान सालाना अधिकतम योगदान 2,400 रुपये और न्यूनतम योगदान 660 रुपये कर सकता है, जबकि केंद्र सरकार जमाकर्ता की मासिक रकम के बराबर राशि अपनी ओर जमा करती है। हर माह कितने रुपए जमा करने होंगे, अब ये सवाल भी आपके मन में होगा। चलिए इसका भी आपको जवाब दे देते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे। 29 साल उम्र के उम्मीदवारों को हर महीने 100 रुपये जमा करना होगा। अगर आपकी उम्र 40 साल की है तो आपको हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे। यदि कोई जमाकर्ता इस योजना से 10 साल से कम समय से बाहर होता है तो उसे जमा राशि के साथ सेविंग अकाउंट की ब्याज दर के अनुसार राशि का भुगतान किया जाता है। वहीं यदि जमाकर्ता 10 साल से अधिक समय के बाद योजना से बाहर होता है लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो पेंशन फंड में जमा ब्याज या सेविंग अकाउंट की ब्याज में जो अधिक है उसका भुगतान किया जाता है। इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसान ले सकते हैं जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या उससे कम जमीन है। बता दें, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक उम्र के हिसाब से 55 रुपये से अधिक 200 रुपये तक का मासिक अंशदान देना होता है। और जब आवेदनकर्ता 60 साल की उम्र में पूरी कर लेते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 3,000 रुपये की पेंशन हर महीने मिलने लगती है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जो भारत के नागरिक हैं और जिनके पास खेती योग्य जमीन होती है। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार, पीएससी और सरकारी संस्थाओं के मौजूदा रिटायर्ड अधिकारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त आयकर देने वाले किसान को 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी इस योजना के पात्र नहीं माने जाते। इस योजना के लिए पात्रता शर्तें क्या है, चलिए वो भी आपको हम बता देते हैं। इस योजना के लिए पात्रता शर्तें, छोटे किसान जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या उससे कम जमीन, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता की मासिक आय 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदनकर्ता यानी कि करदाता नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास मोबाइल फोन, आधार नंबर और बचत खाता
होना चाहिए। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यानी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं जिसके जरिए आप पीएम किसान मानधन योजना के लिए अप्लाई बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन आप कैसे करें, चलिए हम आपको ये भी एक एक करके बता देते हैं। इस योजना के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट manthan.in पर जाना होगा, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट पर जाकर सेल्फ एनरोलमेंट पर आप क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, फिर आप इसे यहां पर रजिस्ट्रेशन पूरा करिए। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स भरकर आप इसे जमा कर दें। इस तरह ऑनलाइन कर सकते हैं आप आवेदन, और ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए आप इस योजना से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र यानी कि JSC सेंटर पर आप जा सकते हैं। वहां जाकर मौजूद कर्मचारी अथवा अधिकारी से आप मुलाकात कर आप खुद इस योजना के तहत रजिस्टर करवा सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट सही और योजना की शर्तें पूरी करने के ऑपरेटर इस योजना में आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा, और फिर ईमेल के जरिए आप अकाउंट में हर महीने प्रीमियम की राशि आपकी कटने लगेगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।